पटना सिटी गुरुद्वारे में बवाल। बवाल का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। छावनी में तब्दील हुआ पूरा गुरुद्वारा परिसर। पटना साहिब गुरुद्वारे में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव और संगत के बीच वाद विवाद बढ़ गया। दोनों तरफ से मारपीट हुई, तलवार भी निकाली गई। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पटना पुलिस ने गुरुद्वारा परिसर में पुलिस बल की तैनाती कर उसे छावनी में तब्दील कर दिया है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार पटना साहिब गुरुद्वारा परिसर में आज संगत आशीष सिंह कपूर और तनखैया घोषित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव इंद्रजीत सिंह के साथ कहासुनी होने लगी, जिसके बाद दोनों आपस में मारपीट करने लगे। इंद्रजीत सिंह के बेटे ने तलवार निकालकर संगत आशीष सिंह पर हमला बोल दिया, जिसके बाद गुरुद्वारा परिसर में अफरा तफरी मच गई। धार्मिक मोर्चा के सदस्य धरने पर बैठे थे, सभी सदस्य दौड़कर बीच बचाव करने पहुंच गए। गुरुद्वारा परिसर में पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके बावजूद भी पुलिस के सामने ही दोनों आपस में मारपीट करने लगे। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों तरफ से चौक थाना में लिखित आवेदन दिया गया है। पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस अधिकारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कानूनी कार्यवाही करने में जुट गए हैं। फिलहाल गुरुद्वारा में काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। क्या पटना साहब गुरुद्वारा में विवाद हुआ, दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं? दीवा पेट्रोलिंग में हमसे सूचना मिली कि गुरुद्वारे में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गई है। इसके सत्यापन के लिए हम आए, यहाँ आए तो मामला शांत था, लेकिन इंद्रजीत सिंह से जब हम मिले तो उन्होंने बताया कि आशीष नाम का व्यक्ति जो है हमारे साथ बदतमीजी किया है, धक्का मुक्की किया है, मारपीट किया है। उसके सत्यापन के लिए मैं गया, सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए हम गए, ऑफिस में जा करके देखा हमने, और फिर अपने सीनियर अधिकारियों को फुटेज को हमने भेज दिया है। क्या तलवार भी निकलने की बात सामने आई, आपस में मारपीट करने की? ये तो अनुसंधान का चीज़ है और उसमें फुटेज में आएगा तो उसमें कार्रवाई। लिखित आवेदन दिया गया है दोनों? जी हाँ, थाना में लोग दोनों गए हैं लिखित आवेदन देने के लिए। क्या पूरा विवाद लग रहा है? विवाद हो तो जाँच के बाद पता चलेगा क्या है मामला। इंद्रजीत सिंह से बात हुई, आप क्या बता रहे हैं? इंद्रजीत सिंह उन्होंने कहा कि हमारे साथ बदसलूकी की गई है, मारपीट की गई है, उसके अलावा हमको कुछ उन्होंने नहीं बताया। बता रहे हैं जान से खतरा है, उनको पहले से भी सुरक्षा दिया गया है दो कॉन्स्टेबल। हमको इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, सीनियर अधिकारी बताएंगे इसके बारे में क्या सुरक्षा दी गई। धन्यवाद। वही महासचिव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि साजिश के तहत उन पर जानलेवा हमला किया गया है। आज क्या घटना गुरुद्वारा में घटी है? आज तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब में जो अकाल तख्त साहब से हुक्म हुआ था 6 तारीख को कि मुझे सेवा लगाई गई थी, और मैंने पहले 1 घंटा जोड़े घर में सेवा की, उसके बाद मैं अंदर जाके 1 घंटा कीर्तन सुना। कीर्तन सुनने के बाद में जब मैं बाहर आ रहा था, निकल के जा रहा था अपने रूम की जाने के लिए, उस समय एक प्री प्लानिंग के तहत आशीष कपूर और इनके लोगों ने आकर मेरे ऊपर हमला किया और मारपीट पर उतारू हो गया, और किसी तरह मेरा बचाव हुआ, मेरा बेटा साथ में था, और इनकी पूरी प्लानिंग थी। इकबाल सिंह ऊपर से खड़े होकर देख रहे थे, और ये पीछे पूरी साजिश थी इनकी टीम की कि आज इनको बेइज्जत करो, और चिल्ला रहे थे कि इनको जान से मार दो, जाने नहीं देना, इनको मार के छोड़ेंगे, यहाँ जाने नहीं देंगे। और किसी तरह हम जान कौन कर रहा है जी, साजिश कौन है आगे? साजिश करते हमारे विरोधी हैं सब, उनके द्वारा प्लानिंग करके किया कि इनको बाहर यहाँ से मारपीट करके भगाओ इनको किसी तरह से यहाँ से। फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या? पुलिस प्रशासन को खबर दिया गया है, प्रशासन की तरफ से वहाँ अंगरक्षक दिया गया है, इतनी फोर्स दी, और उस समय कोई भी नहीं था सब इधर उधर। तलवार भी निकलने की बात सामने आ रही है? नहीं, कोई तलवार निकालने की बात नहीं है, आपस में ही कोई तलवार नहीं निकालने की बात है, अपना बचाव किया किसी तरह, उस समय लोगों से बचाव किया, 20-25 लोग जो हमला कर दिए, और पूरी प्लानिंग के तहत हमला किया कि किसी तरह इनको मार देने का। हमला करने वाले कौन? यही लोकल लोग थे, कुछ सेवादार थे वहाँ पर थे, 20-25 लोग थे जिन्होंने हमला किया। पुलिस थी वहाँ? पुलिस दूर में थी, पुलिस तो जब हम हमला किए तब उस समय पुलिस आई बाद में, वो तो पीछे मारने के लिए दौड़े, किसी तरह हमने बचाव किया अपने अपने, उनका प्लानिंग था पूरा कि आज मार दो यहाँ पर किसी तरह, कि हत्या कर दो, मार दो, इसके बाद कमेटी अपनी आ जाएगी, अपने हाथ से चलाएंगे। और इन्होंने अकाल तख्त का तो पहले भी विरोध कर रहे हैं, जो जथेदार अकाल तख्त साहब के उनका पुतला भी जलाया 2 दिन पहले इन्होंने, और उसके बाद आज यहाँ से 5 प्यार उन्होंने पटना के हुक्मनामा निकाल दिया है कि हम लोग अकाल तख्त का जो फैसला रद्द करते हैं, और उसी साजिश के तहत उसी गुस्से में आज मेरे ऊपर हमला किया गया।
कि अकाल तख्त की बात क्यों मान रहे हैं, अकाल तख्त का फैसला क्यों यहाँ लागू होगा, उसी के तहत ये हमला किया गया। पटना एसएसपी की तरफ से आपको सुरक्षा दी गई है, कितने सुरक्षाकर्मी हैं आपके? सुरक्षाकर्मी दो थे उस समय, दोनों इधर उधर छिटक गए थे, कोई सामने था नहीं पास में, कोई भी सुरक्षाकर्मी आपके साथ नहीं, कोई नहीं था पास में उस समय, सब इधर उधर घूम रहे थे। इसी कड़ी में आशीष सिंह ने बताया कि उन पर जानलेवा हमला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव इंद्रजीत सिंह और उनके बेटे द्वारा किया गया है। आपके साथ घटना घटी है? आज इंद्रजीत सिंह और उनके लड़के ने मिलकर और उनके अन्य साथियों ने मिलकर मेरे पर तलवार द्वारा हमला किया दरबार साहब में, दरबार साहब के बाहर परिसर में, माथा टेक कर मैं आ रहा था, उन्होंने मेरे पर हमला किया, गाली गलौज मेरे साथ, दरबार तख्त सरमंदर परिसर में, दरबार साहब के परिसर में, गुरुद्वारा परिसर में। कौन आप पर थे? इंद्रजीत सिंह और उनके लड़के और साथ में अन्य साथी उनके थे। फिर मैं चौक थाना में आवेदन दे रहा हूँ, मेरा आवेदन रिसीव नहीं किया जा रहा, आपका बैठने के लिए मेरे बोला जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? आशीष सिंह कपूर। आखिर क्यों अटैक किया, क्या था? पता नहीं, कारण आए मेरे साथ खड़े हो गए, गाली गलौज करने लगे मेरे साथ। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या? प्रशासन की तरफ से आप बैठिए, आपको रिसीविंग करके हम देते हैं, आपके आवेदन पर कार्रवाई हम करते हैं, बैठिए आप। क्या नाम है? आशीष सिंह कपूर। क्या